त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मरकच्चो अंचल कार्यालय में शुक्रवार को हुआ पहला प्रत्याशी का नॉमिनेशन दाखिल। वहीं इस दौरान मरकच्चो प्रखंड के ग्राम पंचायत दशारू खुर्द निवासी उपासना देवी पति सीताराम यादव ने मुख्य पद के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल। निर्वाची पदाधिकारी राम सुमन प्रसाद और सहायक निर्वाची पदाधिकारी अशोक कुमार, विनोद कुमार सिन्हा, सहदेव महतो, डॉक्टर अमरीन कुमार के समक्ष शुक्रवार को किया। इस दौरान मुखिया प्रत्याशी के रूप में उपासना देवी ने अपने पंचायत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रखंड मुख्यालय मरकच्चो पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नॉमिनेशन दाखिला कराने के पूर्व समर्थकों ने जुलूस का आयोजन कर दशारों का मुखिया कैसा हो, उपासना देवी जैसा हो, इंकलाब जिंदाबाद समेत विभिन्न प्रकार की नारेबाजी कर प्रत्याशी को उत्साहित किया। वहीं इस मौके पर नामांकन दाखिला के पश्चात दर्जनों महिला कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी को फूलमाला देकर भव्य स्वागत किया। वहीं प्रत्याशी श्रीमती उपासना देवी ने कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी और पूर्व में हमारे देवर सुरेंद्र यादव ने इस पंचायत में 5 वर्षों तक मुखिया पद को संभालने का काम किया और इन 5 वर्षों में पंचायत की जनता को हमेशा खुशहाल रखने का काम किया। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आज आप पर्चा दाखिल किए हैं पंचायत चुनाव का, तो क्या प्राथमिकता होगी पंचायत वासियों के लिए आपके तरफ से? पूर्व में भी मैं पंचायत स्वयं मुखिया रह चुका हूं और निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा किया हूं और मैं पुनः मुखिया प्रतिनिधि के रूप में फिर से जनता को विश्वास दिलाता हूं कि निस्वार्थ भाव से अपने पंचायत को विकास की ओर आगे बढ़ाऊंगा एवं आदर्श पंचायत बनाऊंगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।